हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ न्यू मॉम एंड बेबी व्लॉग। तो आज की जो रेसिपी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, और देख के आपको लुक समझ में आ ही गया होगा। ये है बीन्स करी, जो कि साउथ में बहुत बनता है, और इसकी जो रेसिपी पूरी साउथ इंडियन स्टाइल है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा इंडियन ट्विस्ट भी है इसमें। और देखिए इस तरीके से ये सब्ज़ी बनेगी, और आप लोग सोचेंगे बीन्स की सब्ज़ी बहुत लोग खाना नहीं चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें पता भी नहीं चलेगा कि बीन्स की सब्ज़ी है, और उस तरीके से बना सकते हैं। और इसको रोटी के साथ, राइस के साथ में, या तो सिंपल दाल राइस के साथ में भी आप इसे खा सकते हैं। तो इसकी रेसिपी हम लोग स्टार्ट कर दें कि ये कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने जो है पैन में 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ता है, फिर भी ऑयल बहुत ज़्यादा सेपरेट होगा, आप लोग देखना, आगे आपको वीडियो देख के समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, उसमें 1/4 टेबल स्पून के करीब हम लोग ज़ीरा ऐड करेंगे। और जैसे ज़ीरा ऐड करेंगे, उसमें यहाँ पे हम लोग राई भी ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं, या तो फिर अगर चाहते हैं तो हींग भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप जो है एक मीडियम साइज ऑनियन लिया है, और उसको अब हम लोग लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और ये ग्रेवी जो है वो बनाना बहुत ही आसान है, और आप किसी वेजिटेरियन गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं। ये कोरमा, वेज कोरमा इसे कह सकते हैं हम लोग, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप लोग रेसिपी अब तक मेरी जब देखते आए, उनको समझ में आ ही गया होगा इसका लुक देख के कि कितनी यम्मी बनी होगी। और आप लोग मेरी रेसिपी अगर ट्राई करते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी। और यहाँ पर मैंने जो बीन्स है उसको फाइनली चॉप करके रखा था, उसको डाल दिया है। उतना ही सेम मेजरमेंट में मैंने आलू भी डाले हैं, पोटैटो उसको भी क्यूब में कट कर लिया है। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इसमें गलने में टाइम लग जाएगा, और जो बीन्स है वो बहुत जल्दी गल जाएंगे, और आलू जो रह जाएगा तो उसको भी इसी मीडियम साइज़ में आप काट कर डालिए। आप सब्ज़ी भी अगर सही से साइज़ से काटते हैं तो वो भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि कटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कुकिंग में। तो देखिए जैसे ब्राउन हो गया था, हम लोग ने इसमें वेजिटेबल डाल दिए हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे सौते करेंगे। इसे हम लोग हाई फ्लेम पे अभी ये कर रहे हैं, सौते कर रहे हैं। इसे अभी हम लोग ढक कर नहीं पकाएंगे, पहले हम इसे अच्छे से ये कर लेंगे। और इसमें कुछ मसाले हम लोग ऐड करेंगे। इस मसाले में मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और उतना ही 1/4 टेबल स्पून के करीब धनिया ऐड किया है। इसमें ग्रेवी के इसमें ज़ीरा मैंने 1/4 किया है, तो मतलब सिर्फ मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर लिया था, बाकी सब कुछ 1/4 टेबल स्पून के करीब है। और सॉल्ट जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा भून लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो इसका जो कलर है बाद में ग्रेवी का बहुत अच्छा आता है इस स्टेज पर, अगर आप इसे फ्राई करते हैं थोड़ा 20-30 सेकेंड के लिए। यहाँ पे मैंने ड्राई मैंगो डाला है, क्योंकि कोई भी साउथ इंडियन सब्जी है थोड़ी सी खट्टी बनती है, तो मैं उसमें इमली का पल्प जाता है, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया है, आमचूर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ग्राउंड नट्स को, आपको लास्ट वीडियो में बताई होगी कि ग्राउंड नट्स का पेस्ट मैंने कैसे बनाया है, इसे ड्राई रोस्ट करके मैंने इसे पेस्ट बना के डाला है। इसी से ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है और थिक ग्रेवी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करके बताइएगा ये रेसिपी को। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको नई नई रेसिपी मिलती रहेंगी डेली। वीकली आप इसे बना सकते हैं, और आप अपने लंच या डिनर मेन्यू में रख सकते हैं इसे। इस तरीके की ये रेसिपी है, और बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि बीन्स है। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ बीन्स की सब्ज़ी देंगे तो वो लोग नहीं खाएंगे। इस तरीके से आप अगर कट करके डालेंगे तो उन्हें लगता है कि ये मटर है, उस वो बच्चे भी खा लेते हैं आसानी से। और यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, उसको मैं थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून ऑयल के साथ में इसे थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। इसमें लास्ट में डालने का ये रीज़न होता है कि जो इसका कम डालने से भी, जिंजर गार्लिक पेस्ट कम डालने से भी उसका स्मेल बहुत अच्छा और ज़्यादा आता है। अगर आप स्टार्टिंग में डालेंगे तो जो मसाले हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं इसमें सब्ज़ी में, स्पेशली अगर आप चिकन या नॉनवेज कुछ बना रहे हैं तो आप उसमें स्टार्टिंग में डालेंगे तो उसमें वो जलते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ऐड करती हूँ। आप ये ट्रिक से बनाइए, आपकी सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी बनेगी।
और ये एकदम प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल बना रही हूँ मैं इसमें। बस मैंने यहाँ पे इमली का पल्प ऐड नहीं किया है, आमचूर ऐड किए हैं। अगर आप एकदम खट्टा चाहते तो आप इमली का पल्प भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक का। इसे हम लोग थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे ताकि जो हम लोग जो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाले हैं वो भी इसमें कंबाइन हो जाए मसालों में। और अगर आप चाहते हैं तो अभी इसे मीडियम फ्लेम पे रख के इसे ढक कर आप पका सकते हैं बिना पानी के। अगर आप फ्राई खाना चाहते हैं तो ये टोमेटो डाल के आप ढक के रख दीजिए। अभी इसे हम टोमेटो डाल के, फाइनली चॉप टोमेटो ही लिया है मैंने, इसे डालकर हम लोग इसे ढक के पकाएंगे अगर फ्राई चाहते हैं तो। अगर नहीं तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे और यहाँ इसमें धीमे आँच पर इसको छोड़ देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेवी के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें बाद में पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये आलू जो है वो गले हैं या नहीं गले, और कितना गले हैं। अगर ये 50% गल गए तो उस हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे। तो इस स्टेज पे आप चेक कर लीजिएगा कि कितना गला है, तो उस हिसाब से आप अपना पानी ऐड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से तो नहीं गला है, ये 50% गल गया है, तो उस तरीके से हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे चाहिए तो आप इसमें कोकोनट का वाटर भी यूज़ कर कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। उससे भी बहुत अच्छे इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा एक मिल्की फ्लेवर आएगा। और यहाँ अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल हो तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसमें, या तो अपने घर में जो भी मलाई होगी आपके पास क्रीम दूध पे की, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। पर ये रेसिपी एकदम मैं सिंपल वे से बता रही हूँ ताकि आप इंस्टेंटली बना के खा सकते हैं इसे, और ज़्यादा इसमें बीन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जितना बीन्स लिया उतना ही पोटैटो भी हमने लिया है। तो देखिए मैं इतना पानी डाल के इसको अभी ढक कर रख दे रही हूँ कुछ देर के लिए पकने के लिए। मैंने 5 मिनट के करीब रखा था इसे, देखिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया। मेरे पास फ्रोज़न पीस थे तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है मटर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें ऐसे, ये ऑप्शनल है बिल्कुल भी, आप नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं ऐसे मेरे पास था अवेलेबल तो मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसे ढक के बना लेंगे हम लोग थोड़ा देर, क्योंकि फ्रोज़न जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैंने इसे एंड में डाला है। तो देखिए ऐसा लुक आया है इसकी ग्रेवी का, और पूरा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। और देख के आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक वेजिटेबल कोरमा है ये, और रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाते हैं। और हमें रेस्टोरेंट की यही सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और घर की नहीं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो है साउथ इंडियन बीन्स करी। और यहाँ पे मैंने चिली एक्स्ट्रा डाल दी है एक्स्ट्रा स्पाइसी के लिए, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है ऐसे चिली स्लिट करके डालने से। तो देखिए आपको इसका पास से लुक बता रही हूँ कि इस तरीके से इसका लुक था, और हम लोगों ने खाया है, बहुत टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा तभी आपको, मैं तो यहाँ से आपको सिर्फ टेस्ट बता सकती हूँ, आप लोग जब ट्राई करेंगे तभी आपको इसका टेस्ट समझ में आएगा। और आप चाहेंगे कि दोबारा खाएं इस तरीके से, बिल्कुल भी सब्ज़ी बची नहीं थी, इतनी अच्छी ये सब्ज़ी बनी है। तो इसे अगर हम आप ड्राई रखना चाहते हैं तो आप इसे ड्राई भी रख सकते हैं। आप इसे देखिए इस तरीके से ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप ग्रेवी भी रख सकते हैं। तो रोटी से खाने के लिए स्पेशली आपको ग्रेवी रखना है रख सकते हैं आसानी से, और जीरा राइस से भी खा सकते हैं। अगर आप इसे दाल तड़के और राइस के साथ में खा रहे हैं तो आप इसे ड्राई भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आई गया होगा कितनी आसानी से रेसिपी बनी थी, बहुत आसानी से बन जाती है रेसिपी। तो देखिए लास्ट में इसका लुक इस तरीके से था, आपको देख के बहुत मन ही कर रहा होगा खाने का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरीके से आप मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं और एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ते रहूँ। अभी के लिए स्टे होम स्टे सेफ़।